सबसे पहले आपको बताया गया है, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनका मीनिंग हमको कॉन्टेक्स्ट से ही निकालना है, और कॉन्टेक्स्ट से निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये स्टोरी किसके बारे में है, राइट? सो सबसे पहले हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद इनका मीनिंग भी इन्फर करेंगे। फर्स्ट लाइन, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। अब जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है, वैसे इस पोएट की भी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या थी? ओल्ड वुमेन थी। सी आई एम लाउड इनफ टू बी हर्ड ऑल्सो। तो जिनको नहीं दिख रहा है वो मेरी आवाज सुन के समझने की कोशिश करें। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Known her, मतलब जब से वो 20 साल का था, मतलब अभी जो poet है, जो यहाँ पे author है यहाँ का, वो कितने साल का हुआ है? 20 साल का। अब 20 साल से उसने जैसे ही अपनी grandmother को देखा है, वो एक ही position में है, old। उन्होंने हमेशा उसको कैसे देखा है? Old में देखा है, right? People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. ऐसा लोग कहते थे कि वो एक टाइम पे प्रिटी और यंग हुआ करती थी और उनके साथ एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। But that was hard to believe. अब क्योंकि ऑथर ने उनको देखा नहीं है, इसलिए वो इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इस ये जो उनकी ग्रैंड मदर है उनका कोई हस्बैंड भी हुआ करता था। My grandmother's portrait मतलब सॉरी grandfather's portrait मतलब पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है? पिक्चर, फोटो। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece. Mantelpiece क्या होता है? Mantelpiece, जैसे कि बहुत सारे घरों में होता है, आग जलाई जाती है सर्दियों में, एक प्लेस होता है, तो इट इज अ शेल्फ अबव दैट मैंटलपीस, अबव दैट फायरप्लेस। वो जो फायरप्लेस होता है उसके ऊपर लगी हुई अलमारी को मैंटलपीस कहते हैं। गॉट इट? आई विल शो यू द पिक्चर आफ्टर द स्टोरी। गॉट इट? अबव दैट मैंटलपीस इन द ड्रॉइंग रूम, तो उस मैंटलपीस के ऊपर उनकी एक पोर्ट्रेट भी लगी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. वो कैसे कपड़े पहने हुए थे? Red turban. Turban मतलब पगड़ी। Turban मतलब क्या होता है? पगड़ी। और उनके loose fitting जो कपड़े थे वो थोड़े से loose fitting clothes थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और वो कैसे दिखते थे? कम से कम 100 साल बूढ़े लग रहे थे, right? He did not look the sort of a person who would have a wife and grandchildren. मतलब वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखते थे कि उनके कोई वाइफ या फिर grandchildren होंगे। He looked, वो ऐसे लग रहे थे as if he could only have lots and lots of grandchildren. मतलब उनकी जो पोर्ट्रेट थी वो इतनी ओल्ड थी दैट की वो कभी भी एक वाइफ या बच्चों वाले लगते ही नहीं थे। वो कैसे लग रहे थे? कि उनके बहुत सारे क्या होंगे? grandchildren होंगे। grandchildren समझते हैं? grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब वो जो ये सोच रहा है कि उसकी grandmother young या pretty होंगी, अब ये जो thought था ये क्या था? revolting था। मतलब इस बात को वो digest नहीं कर पा रहा था, right? अब ये जो phrase है, the thought was almost revolting, इसका मतलब क्या हो जाता है? Something which is not digestible, कोई ऐसी चीज जिसको आप accept ना कर पाओ आसानी से। Got it? This is the meaning of that particular phrase. Thought of revolting, मतलब किसी चीज को जो आप एक्सेप्ट ना कर पाओ। नेक्स्ट, she often told us, वो अक्सर हमें बताया करती थी, of the game she used to play as a child, that seemed quite absurd. Absurd मतलब? That seemed quite absurd. Absurd मतलब? Absurd मतलब something which is not clear, vague. Absurd का मतलब होता है, जितने ये वर्ड्स हैं वो लिखते जाएं। Absurd. Absurd का मतलब होता है something which is not clear, अस्पष्ट। See, only literature we are not doing. We are doing even vocabulary with the help of literature. हमें अपनी vocab भी improve करनी है literature के साथ साथ। So absurd का मतलब हो जाता है something which is not clear, vague. Synonym हो जाएगा इसका vague, vague. That seemed quite absurd and undignified. Undignified का मतलब क्या होता है? Vulgar, अशोभनीय। Undignified मतलब vulgar या अशोभनीय। So that seemed quite absurd and undignified on her part,
and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. और इसको जो author है वो कैसे treat कर रहे हैं? उन fables, fables का मतलब होता है short stories, उन short stories की तरह जो grandmother उनको सुनाया करती थी. तो लोग जो ये कहते थे कि she was young, she was beautiful, उसको भी वो एक कहानी के ही तौर पे ले रहा है जैसे grandmother उसको सुनाया करती थी. इस passage तक clear है सबको? इस paragraph तक clear है सबको? Next, she had always been short and fat and slightly bent. वो उनका जो हुलिया था वो कैसा था? Short and fat और slightly bent, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ था. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. अब of course, अब wrinkles हैं तो wrinkles का कोई shape तो होगा नहीं particular. वो तो एक vague तरीके से होंगे ना. तो जो wrinkles थे वो everywhere to everywhere क्या कर रहे थे? Run कर रहे थे. No, we were certain she had always been as we had known her. Now the author is not digesting this कि वो क्या था? वो young और pretty भी हो सकती हैं. Now he is saying कि वो ऐसी ही होंगी जैसे हमेशा उनको हमने देखा है, wrinkled. वो हमेशा एक wrinkled ही पाई गई होंगी. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. मतलब जैसे वो पिछले 20 साल से थी old, very old, वैसे ही वो हमेशा से रही होंगी old. मतलब वो कभी young और pretty नहीं हुई होंगी, right? She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो कभी pretty नहीं थी, but she was always beautiful even at the old age. Old age में भी वो क्या थी? Pretty हुआ करती थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Now what is this telling? She could never have been pretty. This has been done. She hobbled. Hobbled matlab इधर से उधर टहलना. Hobbled का मतलब हो गया इधर से उधर टहलना, right? She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist. अब क्योंकि वो झुकी हुई थी तो ultimately वो कैसे चलेंगी? अब जैसे आप लोगों ने old people को देखा होगा, अगर वो झुके हुए चलते हैं तो वो कैसे चलते हैं? अपने एक कमर हाथ में और दूसरा क्या होता है? Stick पे रख के चलते हैं ना. तो उनकी grandmother भी वैसे ही चल रही थी, right? In spotless white hand with resting on her waist. Waist मतलब कमर. To balance her stoop, अपना जो stoop है, झुकाव है, उसको balance करने के लिए. And the other telling the beads of her rosary. Other telling the beads of her rosary का मतलब rosary का beads of her rosary का मतलब हो जाता है जो माला होती है, उस माला को जाप करते हुए. अब आप लोगों ने देखा होगा ना old people को वो अक्सर जाप करते रहते हैं, right? तो she was counting the beads of her rosary along with chanting. मतलब मंत्र chant करते करते वो क्या कर रही थी? अपने beads of the rosary को count कर रही थी. Got it? इतना समझ में आ गया? Next, her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Inaudible मतलब जिसे सुना ना जा सके. Inaudible मतलब unheard. Inaudible मतलब unheard. लिखे, जिसे सुना ना जा सके. Inaudible. Inaudible का मतलब होता है unheard, जिसे सुना ना जा सके. Now, puckered का मतलब हो जाता है wrinkled. Puckered face का मतलब हो जाता है wrinkled face. Inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. मतलब वो ऐसे, उनका जो एक behavior था वो बिल्कुल mountains में जैसे शांति होती है. Beautiful थी इसलिए वो white थी. उसके अलावा उनका जो look था वो काफी शांत, जैसे कि माउंटेन्स में होता है वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? संतोष. कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, सैटिस्फैक्शन. लिखे, कंटेंटमेंट, सैटिस्फैक्शन, संतोष. Now this would have been much better अगर सबके पास बुक होती. तो नेक्स्ट टर्न पे सारे बच्चे बुक लेके आएंगे? एवरीवन. कौन सी? Hornbill as well as snapshots. कंटेंटमेंट लिख लिया. कंटेंटमेंट मतलब सैटिस्फैक्शन, संतोष. नेक्स्ट, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. अब यहां पे वर का इस्तेमाल क्यों हुआ है बच्चों? My grandmother and I were good friends. यहाँ पे वर का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे grandmother
गुड फ्रेंड्स थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और वो हमेशा क्या करते थे, साथ में रहते थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस. मोनोटोनस मतलब वेरी बोरिंग. मोनोटोनस का मतलब होता है वेरी बोरिंग. लिखें इसका मीनिंग. मोनोटोनस का मतलब होता है वेरी बोरिंग. In a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब बहुत सारे ऐसे old people होते हैं ना जो हमें सुनाते हैं अपनी कविताएं या फिर अपने भजन सुनाते हैं किस hope में कि हम भी उनको क्या कर लेंगे, learn कर लेंगे. पर हम नलायक होते हैं, हम तो learn करते ही नहीं है. वैसे ही author भी नलायक था, उसने भी learn नहीं किया था. बस क्योंकि उसे आवाज पसंद थी इसलिए वो क्या करता था, सिर्फ सुनता था. राइट. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. But कभी भी वो learn नहीं करता था. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with a yellow chalk, a tiny earthenware pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. अब क्योंकि वो village में रहा करता था, तो वहाँ पे ये सारी facilities नहीं थी. वहाँ पे क्या मिलता था? Slate मिलता था. तो उसकी grandmother क्या करती थी? इन सबको tie करके उसको school भेजती थी, right? After a breakfast of a thick stale chapati, stale मतलब बासा, old. Stale मतलब बासा, कोई चीज जो पुरानी हो चुकी हो, stale, old. जो stale food होता है, बासा खाना, बासी. हाँ ठीक है, बासी. Stale मतलब बासी. लिख लिया. Stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. तो ये breakfast करके वो कहाँ जाता था? School जाता था. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और वो जो बासी chapatis थी, और वो किसको लेके जाती थी? Dogs के लिए भी लेके जाती थी. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब वो हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी. क्यों? क्योंकि उसी स्कूल के पास और क्या हुआ करता था? टेम्पल हुआ करता था. वो स्कूल जाता था और ग्रैंडमदर कहाँ जाती थी? टेम्पल जाती थी. The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. Chorus मतलब एक साथ. Chorus मतलब एक साथ. My grandmother sat inside reading the scriptures. Scriptures मतलब ग्रंथ, holy books. Scriptures का मतलब होता है ग्रंथ, holy book. This when we had both finished, जब हम दोनों खत्म कर लेते थे, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब ultimately जब dog को खाना देते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ते हैं ना? तो that only they were also doing. यहाँ तक clear हो गया? पीछे यहाँ तक clear हो गया सबको? Next, when my parents were comfortably settled in the city, now here is a turning point. अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, but अब यहाँ से ultimately क्या होगा? उनकी friendship में एक turning point आएगा, मतलब एक important event enter करने वाला है. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. They sent for us मतलब उन्होंने हमें बुलावा भेजा. They sent for us का मतलब हो गया उन्होंने हमें बुलावा भेजा. That was a turning point in our friendship. Turning point का मतलब क्या हो जाता है? Important point in their friendship. एक मोड़ आया उनकी friendship में. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अब जैसे कि पहले वो उनके साथ स्कूल जाया करती थी, अब उसकी grandmother उनके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी. क्यों? क्योंकि वो दूर भी हुआ करता था, right? तो वो कैसे जाता था ultimately? I used to go to an English school in a motor bus. कैसे जाता था उधर? Motor bus से. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और वो अपने कोटियान में बैठ के किसको फीड करा करती थी? स्पैरोस को. अब अल्टीमेटली उन्होंने अपना टाइम किस पे शिफ्ट कर दिया था? स्पैरोस पे. As the years
रोड. जैसे कि साल बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब क्योंकि जो ऑथर था वो किसमें ज्यादा डिवोट हो गया था, अपने स्कूल में ज्यादा डिवोट हो गया था, अपनी लाइफ में ज्यादा डिवोट हो गया था. सो नाउ वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. जब हम वापस आते थे तो वो पूछती थी कि टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया है. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. वो क्या बताती थी? इंग्लिश वर्ड्स बताता था. तो अब क्या ग्रैंडमदर को समझ में आएगा इंग्लिश वर्ड्स? आधा हमें को नहीं आता, उनको कैसे आएगा समझ में? राइट, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. देखो आर्किमिडीज में अपोस्ट्रोफी कहां लगा है? आर्किमिडीज के बाद में. एग्जाम में एरर बनता है आर्किमिडीज में, ये आपका अपोस्ट्रोफी इससे पहले लग जाता है जो कि क्या हो जाएगा? गलत. अपोस्ट्रोफी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज एस के बाद लेता है. इज दैट क्लियर? इट इज अ पॉइंट टू मार्क हियर. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा. अब ये सारी चीजें उसकी ग्रैंडमदर को समझ में आएंगी? आएंगी? नहीं आएंगी. This made her unhappy. इसलिए वो क्या हो जाती थी? Unhappy हो जाती थी. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught in the English school. वो उन चीजों पे विश्वास नहीं रखती थी जो वो कहाँ पढ़ाते थे? English school में पढ़ाते थे. And was distressed. Distressed मतलब? Distressed मतलब? Upset हो जाना. Distressed मतलब? Upset हो जाना. Distressed that there was no teaching about God and scriptures, मतलब भगवान और इनके ग्रंथ के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए वो क्या हो गई थी? दुखी हो गई थी, upset हो गई थी. One day I announced that we were being given music lessons. अब इसकी वजह से और वो दुखी हो जाएंगी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो म्यूजिक था वो एक अच्छे लोगों के लिए नहीं था. म्यूजिक का मतलब हो गया बुरी चीजें, बुरी चीजों से रिलेशन हो गया उसका. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. Lewd associations का मतलब क्या हो जाता है? Lewd associations का मतलब हो जाता है something which has vulgar connections. Lewd associations. Lewd का मतलब हो जाता है vulgar और association का मतलब हो जाता है connection. तो lewd associations का मतलब हो जाता है something which has vulgar connections. लिखे lewd associations. Something which has vulgar and low values. It was the monopoly of harlots and beggars. Monopoly मतलब right होना, किसी का एकाधिकार. Monopoly. It was the monopoly of harlots and beggars. Harlots मतलब होता है जो dancers होते हैं ना जैसे, तो dancers के लिए और beggars के लिए खाली ये गाना बनता है, बाकी अच्छे लोगों के लिए music नहीं था. Meant not for gentle folk and not meant for gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. Although वो कभी कुछ कहती नहीं थी, but उनका जो silence था वो क्या था? मतलब disapproval ही था ultimately, right? She rarely talked to me after that. Rarely यहाँ पे कौन सा बार speech है? She rarely talked to me after that. कौन सा बार speech है? Adverb. Rarely का मतलब ना के बराबर. Rarely का मतलब क्या होता है बच्चों? ना के बराबर. ये एक negative adverb है, right? She rarely talked to me after that. When I went up to university, I was given a room of my own. अभी at least अभी तक एक कमरे में रहते थे, but अब उनको क्या कर दिया गया था? कमरा भी अलग दे दिया गया था, right? The common link of our friendship was snapped. Snapped मतलब? Snapped मतलब broken. लिखे जल्दी. Snapped का मतलब होता है broken. The common link जो हमारा एक friendship का common link था, मतलब एक room share करना, वो भी क्या हो चुका था? टूट चुका था. Snapped का मतलब होता है broken. देखिए जब आप ये स्टोरी पढ़ लेंगे तो इसके बाद एक्सरसाइज आएगा. एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस जो आंसर करने हैं वो आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं. मतलब आपने क्या डिराइव किया है स्टोरी से, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छे से समझे, उसके बाद उसका आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. स्नैप्ड का मतलब क्या हो जाता है? ब्रोकन. माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. सेक्लूजन का मतलब क्या हो जाता है? बीइंग प्राइवेट. अब क्योंकि उनका रूम अलग हो गया था, तो उसकी जो ग्रैंडमदर थी ऑथर की, उन्होंने
अपना जो प्राइवेसी है उसको एक्सेप्ट कर लिया था विद रेजिग्नेशन. विद रेजिग्नेशन का मतलब खुद से उस बात को स्वीकार कर लिया था कि अब हम दोनों अल्टीमेटली क्या होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं, अब हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे. गॉट इट? तो सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? बीइंग इन अ प्राइवेट स्टेट, तन्हाई जिसको आप बोल सकते हैं. ठीक है? शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील. स्पिनिंग व्हील मतलब, स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा. बेटा उधर चले जाओगे क्या तुम अंदर? स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा. स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ओनली इन द आफ्टरनून. शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड होम. किसको फीड करने के लिए? पैरोस को. व्हाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स collected round her, doing what? Creating a veritable bedlam of chirpings. A veritable bedlam of chirpings का मतलब क्या हो जाता है? Veritable का मतलब लिखो, something which is very impressive. Veritable का मतलब हो जाता है something which is very impressive. A veritable bedlam. Bedlam का मतलब हो जाता है noise, मतलब impressive noise of chopping. चहचहाने की एक बहुत ही सुंदर आवाज निकालते हुए. Veritable का मतलब हो जाता है something very impressive. और bedlam का मतलब हो जाता है noise, शोर, हंगामा. सब कुछ अभी हो जाएगा. बेडलाम, बेडलाम का मतलब हो जाता है हंगामा, नॉइज. लिख लिया? सो तो वो क्या करती थी, उनके चारों ओर एक बहुत ही सुंदर शोर, किसका? बर्ड्स की चहचहाट का गिर जाता था. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन शोल्डर्स. तो अब स्पैरोज हैं, कहीं भी बैठ सकती हैं, तो कुछ उनके पैर के आसपास होती थी और कुछ उनके शोल्डर्स के आसपास हुआ करती थी. सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके हेड पे भी बैठ जाया करती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो खुश होती थी बट कभी भी उनको भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो वो ultimately कितने घंटे उनको feed करती थी? Sparrows को कितने घंटे feed करती थी? Half hour. और वो happiest moment हुआ करते थे. When I decided to go abroad for further studies. अब देखिए, पहला phase जिसमें grandmother और author कहाँ रहा करते थे? साथ में. And that was the happiest moment of their lives. क्योंकि ultimately grandmother की पूरी life किसके चारों involve कर रही थी? Author के. Second phase, जब author कहाँ आया? City में आया. किसके साथ? अपनी grandmother के साथ. अब ये third phase है. Author कहाँ जा रहा है? Author कहाँ जा रहा है? Abroad. अब्रॉड जाने की बात कर रहा है. तो दिस इज द थर्ड फेज जो हम लोग देख रहे हैं ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच का. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be what? Upset. जब वो सिटी आया था तभी वो डिस्ट्रेस हो गई थी, अब तो और ज्यादा अपसेट हो जाएंगी. I would be away for 5 years. And at her age, one could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. वो खुद दुखी भी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी sentimental भी नहीं हुई थी. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. वो उनको, author को कहाँ छोड़ने गई थी? Railway station. But उन्होंने कोई भी emotion show नहीं किया था. Her lips moved in prayer. Continuously her lips were moving in prayer. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished मतलब enjoyed. I cherished मतलब I felt in an enjoyed moment. Cherish मतलब किसी चीज को enjoy करना, nurture करना. I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. देखो author ये सोच रहा था कि शायद जब वो 5 साल बाद वापस आएगा तो उसको उसकी grandmother नहीं मिलेंगी, right? उसका ऐसा सोचना था. After 5 years, but ultimately जो author था उसको गलत prove हो गया था. क्यों? क्योंकि after 5 years, I came back home and was met by her at the station
दिन उसको कौन देखने को मिला? उसकी ग्रैंड मदर. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो एक दिन भी उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, एकदम सेम लग रही थी उसको. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स व्हेन शी क्लैप्ड मी इन हर. क्लैप्ड मतलब क्लैप्ड का मतलब होता है टू होल्ड टाइटली. लिखे क्लैप्ड का मतलब होता है टू होल्ड टाइटली. She clasped me in her arms. I could hear her reciting her prayers. और वो उनको सुन पा रहा था क्या करते हुए? Prayers को recite करते हुए. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were किसके साथ? उनके happiest moments भी किसके साथ थे? Sparrows के साथ. क्यों? क्योंकि जब author चला गया था तो वो अपना time किसके साथ बिताती थी? Sparrows के साथ. With her sparrows. Whom she fed longer, और लंबे समय तक उन्होंने उसको fed किया, and with frivolous rebukes. Frivolous का मतलब होता है silly, rebukes का मतलब होता है डांटना, मतलब प्यार से डांटने वाला. तो वो sparrows को क्या कर रही थी? प्यार से डांटते डांटते उनको feed करने का काम कर रही थी. In the evening, a change came over her. Evening में क्या हुआ? उनमें एक बदलाव देखने को मिला. क्या बदलाव? She did not pray. उन्होंने क्या नहीं किया था? और ये कब से हो रहा था pray? प्रे कब से शुरू किया था? काफी साल पहले से. 5 साल पहले से नहीं, जब से वो यहाँ सिटी में भी आ गई थी तब भी, और जब वो वहां विलेज में थे तब भी प्रे करती थी. राइट. शी डिड नॉट वॉट. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ हर नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम, और उसको क्या कर रही थी? एंड स्टार्टेड टू सिंग. ढोलक होता है? ढोलक होता है. तो शी कलेक्टेड द वुमेन और उस ढोलक के साथ वो क्या करना शुरू कर दी थी? गाना गाना. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग. सैगिंग का मतलब होता है लटका हुआ, ओल्ड लटका हुआ. शी थम्ड. थम्ड का मतलब होता है बजाना. थम्ड का मतलब होता है बजाना. शी थम्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum. Dilapidated का मतलब होता है old and broken. Dilapidated का मतलब होता है old and broken of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. और किसके बारे में गाना गा रही थी? Warriors के घर आने पे. Warriors मतलब? Warriors मतलब? योद्धा. Old and broken. टूटा फूटा. Warriors. We had to persuade her. Persuade मतलब मनाना. Persuade मतलब मनाना. देखिए कितने सारे words की meaning पता चल रहे हैं, right? Persuaded का मतलब क्या होता है? मनाना. Persuaded her to stop, to avoid क्या? Overstraining. अब वो क्योंकि क्या हो चुकी थी? Old हो चुकी थी ना. अगर वो बहुत देर तक यही continue करेंगी तो उनको क्या हो जाएगा? Strain हो जाएगा. तो overstraining को stop करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? मनाना पड़ा. That was the first time since I had known her that she did not क्या करते हुए? Pray करते हुए. The next morning she was taken what? Ill. अब obviously जब कोई old people इतना थक जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है ना. The same was with her. Next morning वो क्या हो गई थी? बीमार पड़ गई थी. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. उसकी grandmother कैसे ले रही थी उसको? Different तरीके से. क्योंकि उन्हें पता चल गया था क्या? She told us that her end was near. अब उनका जो end था वो बहुत करीब आ चुका था. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste. Omitted मतलब? Omit मतलब? छूट गया था. लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ छूटा था ना प्रे करना. तो अब वो कोई भी समय बर्बाद नहीं करेंगी. टाइम टॉकिंग टू अस, उनसे बात करते हुए अब वो कोई भी समय बर्बाद ना करते हुए क्या करेंगी? प्रे करेंगी. राइट. वी प्रोटेस्टेड. हमने क्या किया? प्रोटेस्ट किया. ऑफ कोर्स कोई भी करेगा. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. उन्होंने हमारी जो प्रोटेस्ट थी उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड praying and telling her beads. Telling her beads मतलब अपनी beads को, अपनी माला को क्या करते हुए? Count करते हुए. Telling her beads मतलब अपनी beads से बात नहीं करते हुए. ये phrase है. Telling her beads का मतलब होता है अपनी माला जपते हुए. Telling her beads.
इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, मतलब हम समझ पाते उससे पहले क्या हो चुका था, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी जो माला थी वो क्या हो गई, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. अ पीसफुल पैलर, एक बहुत ही शांत, पेल येलो, पैलर का मतलब होता है पीला, पेल येलो, अब जैसे कोई मर जाता है तो उसका चेहरा बहुत पेल पड़ जाता है ना, बस अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज, वी लिफ्टेड ऑफ हर बेड एंड एज इज कस्टमरी, अब जैसा कि कस्टम होता है, लेड हर कहां पे, ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. श्राउड मतलब होता है कफन, श्राउड मतलब होता है कफन, लिखे श्राउड, श्राउड मतलब होता है कफन, विद अ रेड श्राउड. आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद क्या हुआ, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब विलाप, मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब विलाप, MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है विलाप करना. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. फ्यूनरल मतलब जो लास्ट राइट्स होते हैं, फ्यूनरल मतलब जो लास्ट राइट्स होते हैं. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड. क्रिमेशन समझते हैं, क्रिमेशन समझते हैं, क्रिमेटेड मतलब उनको जलाने के लिए, क्रिमेट करने के लिए. अब हम जो हिंदूज होते हैं जैसे उनमें जलाया जाता है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें दफन किया जाता है, तो अल्टीमेटली क्रिमेशन के लिए उनको क्या करना था, ले जाना था. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. जो सन ढल रहा था उसने उनके कमरे को क्या कर दिया था, रोशन कर दिया था, कैसे, और वेरांडा को भी रोशन कर दिया था विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. We stopped halfway in the courtyard. हम लोग courtyard के आधे रास्ते में रुक गए. All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff. Stiff मतलब बहुत, अब क्योंकि अकड़ के बॉडी रहती है ना जब lifeless हो जाती है. Stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. क्योंकि ultimately इतना सारा time उन्होंने किसको दिया था? Sparrows को दिया था. There was no chirping. अब sparrows भी समझदार थी, बिल्कुल भी chirping नहीं था. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. But she broke it into little crumbs. वो छोटे-छोटे टुकड़ों में उनके लिए break तो कर रही थी. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse, corpse मतलब body, corpse मतलब dead body, off, they flew away. Quietly, वो चुपचाप क्या कर गई, उड़ गई. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. Story खत्म. समझ में आया? Yes, सबको? Yes, it was a good story. Yes, अब आता है question answers का turn. अब I hope आप लोगों ने text को understand करा है. Text understand कर लिया है? Yes, now, पहला question. The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Abroad जाने से पहले आपको वो तीन phases के बारे में बताना है जो author ने grandmother के साथ spend किए, along with the third phase also. Actually the third phase is this only, जहाँ वो grandmother के साथ abroad जाता है. तो अब जल्दी से इसका answer लिखें सारे बच्चे, हम लोग discuss करेंगे अभी. पहले question का answer लिखें. Do not talk. सबने स्टोरी समझी है, सब अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे, कोई भी हिंदी में नहीं लिखेगा. देखो तीन फेसेस थे, पहला फेस जब ग्रैंडमदर और जो आपका ऑथर था वो साथ आया करते थे, सेकंड फेस कब था, जब वो सिटी आ गए थे, थर्ड फेस अब्रॉड जाने से पहले वो वाला फेस था जब उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया था, जब ऑथर को क्या दे दिया गया था, सेपरेट रूम दे दिया गया था. तो ये तीन फेस है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ, जल्दी से बताओ. अब्रॉड जाने से पहले तीन फेस को अपने वर्ड में लिखिए.
question will at least come in 150 words. 150 words में ये आराम से किया जा सकता है. 7 to 8 marks question ये है. अब्रॉड उसके साथ थोड़ी गया था कोई. अब्रॉड जाने से पहले जो 3 फेसेस हैं, ग्रैंड मदर और उसके, वो बताना है. पहला फेस क्या था? It was the happiest time when his grandmother and the author were living together. Where his grandmother was spending the entire life. या grandmother की जो पूरी जिंदगी थी वो किसकी तरफ इवॉल्व कर रही थी? ऑथर के चारों ओर ही इवॉल्व कर रही थी. राइट, चलिए अब क्वेश्चन के हम आंसर भी दिखाते हैं आपको. आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं ये समझते हैं. नहीं बेटा, खराब नहीं हुआ है. दिख रहा है? दिख रहा है? See, the question says the 3 faces of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. 3 faces कौन से थे? Answer लिखने का तरीका. The story traced 3 faces of the author and grandmother's friendship. Story किसके बारे में बात कर रही है? 3 faces grandmother और इस author के लिए, जिसमें the primary face, जो primary face है वो क्या था? जहाँ पे author और उसकी grandmother कैसे रह रहे थे? साथ में रह रहे थे. Between the author and grandmother blossom. Author and grandmother were constantly together in the village. वो दोनों हमेशा कैसे रहते थे? साथ में. Grandmother raised him during the initial years of his life when his parents were busy settling their lives in the city. जब वो सिटी में क्या कर रहे थे? उसके पेरेंट्स अपनी लाइफ को सेटल कर रहे थे. ये था पहला फेस. उसके बाद क्या करती थी वो? She used to wake him up and get him ready to accompany him to school. ये था हमारा कैसा फेस? पहला फेस. सेकेंड फेस में क्या हुआ था? द सेकेंड फेस व्हेन देयर फ्रेंडशिप सॉ स्टीप टर्न. एक टर्निंग पॉइंट आया था ना? टर्निंग पॉइंट देखा था? टर्निंग पॉइंट क्या था? जब उनको कहां बुला लिया गया था? सिटी बुला लिया गया था. ऑथर एंड ग्रैंडमदर शिफ्टेड टू द सिटी एंड ही वेंट टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. वेयर? ग्रैंडमदर के साथ की मोटर कार के साथ? मोटर कार के साथ, इन अ मोटर बस. ग्रैंडमदर कुड नो लॉन्गर अकंपनी हिम. अकंपनी मतलब साथ में चलना. अकंपनी हिम टू द स्कूल एंड हेंस दे ग्रू अपार्ट. देखिए, टोन वही होना चाहिए, सेंस वही होना चाहिए, वर्ड्स आपके होने चाहिए. वर्ड्स आपको एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट से कॉपी नहीं करने हैं, सिर्फ सेंस वही देना होगा आपको. ठीक है, सेंस आप नहीं बदल सकते एक आंसर में. ड्यूरिंग द थर्ड फेज, अब ये था क्या था आपका? सेकेंड फेज. थर्ड फेज में क्या हुआ था? दे लॉस्ट ऑल द कॉमन टाइम्स. जो एक रूम था उनका कॉमन, वो भी क्या हो गया था? अलाउ. तो अल्टीमेटली थर्ड फेज में क्या आया? द ऑथर वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन इन द यूनिवर्सिटी एंड शी सून मूव अब्रॉड. कितने साल के लिए? 5 years, leaving grandmother behind and alone. Even though they still loved each other, their communication became nil. Nil मतलब? Nil मतलब ना के बराबर. Nil का मतलब? तीनों फेस समझ में आ गए? आंसर्स कैसे लिखते हैं समझ में आ गए? पक्का? सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to city school. Mention करे 3 reasons जिससे उसकी grandmother disturb हो गई थी जब वो author city school में जाने लगा था. याद करे वो 3 reasons. अब जिसने कहानी बहुत अच्छे से सुनी होगी वही 3 reasons mention कर पाएगा. Now this is the test of your listening ability. ये आपके listening ability का test है. हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. बट एटलीस्ट आपको भी तो पता होना चाहिए ना.
माइक सर माइक दे दीजिए बच्चों. फर्स्ट रीजन हम तो नहीं, पहला रीजन First, ये होगा. First was that there was only teaching science about science fiction, about English is not about. ये बेटा second हो जाएगा. And she cannot accompany him. Exactly. First ये हो जाएगा. She could not accompany him to school. क्योंकि ultimately author किससे जाने लगा था? Motor car से जा रहा था. तो पहला reason उसके city school में जाने का distress का उसका reason ये था कि she could not accompany him. Second reason क्या था? कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था? Archimedes principle पढ़ाया जाता था, law of gravity पढ़ाया जाता था, पर क्या नहीं पढ़ाया जाता था? God और उनके scriptures के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था. इसलिए वो क्या हो गई थी? Disturbed हो गई थी. दोनों समझ में आ गए? Third कौन बताएगा? Third music classes. Third क्या था बच्चों? Music classes. She was against the music classes. उसको music classes उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि music किसके लिए हुआ करता था? Harlots और beggars के लिए. Music किसके लिए था? पीछे. Music किसके लिए हुआ करता था? Harlots और beggars के लिए. तो तीन reason समझ में आ गए? Yes or no? पीछे. पीछे के बच्चे आवाज नहीं कर रहे हैं. Question clear है? Is this question clear? Yes, sir. All of you? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. Question 3. Mention 3 ways. Keyboard बहुत अच्छा है. बार बार आ रहा है. Mention the 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. आपको तीन चीजें बतानी है जिससे grandmother अपना दिन व्यतीत करती थी जब वो बड़ा हो गया था. लिखें जल्दी से तीन चीजें मेंशन करें. भाई जब वो बड़ा हो गया था तब वो सिटी में आ गए थे ना? यस और नो? जब वो बड़ा हो गया था ऑथर तब वो कहाँ आ गए थे? सिटी में. अब आपको तीन चीजें बतानी है जो ग्रैंड मदर किया करती थी अपने दिन को पास करने के लिए जब ऑथर बड़ा हो चुका था. जल्दी से बताएं. पहला कौन बताएगा? पीछे से कोई बताए. पहला she spent her time reciting prayers. Second she spent most of her time with sparrows. Second third very good she spent her time in the spinning wheel also. Spinning wheel में भी तो spend करती थी ना? मिल गए तीनों. पहला क्या था? Reciting prayers. Second क्या था? Sparrows के साथ. तीसरा क्या है? Spinning wheel. Very good. अच्छे बच्चे हो तुम लोग. Means you people were listening carefully. Keyboard is not coming. It is appearing. Next, mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. लिखें. वो तरीका या वो odd way बताना है जो उनकी grandmother ने behave करने लगी थी जब कौन return होके आया था? Sorry, उनके मरने से just पहले जिस तरीके से वो behave कर रही थी वो आपको बताना है. लिखें. Let everyone write. येलो शर्ट आप बताइए आंसर. नहीं
उससे पहले भी तो कुछ कर रही थी ना। नहीं बैठे, रॉन्ग आंसर। शी मिस द इवनिंग प्रेयर, वो तो बात का चीज था। हाँ ठीक है, शी मिस द इवनिंग प्रेयर। उसके बाद शी कलेक्टेड ऑल वुमेन एंड स्टार्टेड थंपिंग एन ओल्ड एलिपेटेड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। यही कर रही थी ना वो, बहुत पहले नहीं, अल्टीमेटली उसके वापस आने के बाद और मरने से पहले, जिसके बाद शी फेल्ट इल, उनको क्या हो गया था, वो बीमार हो गई थी, और उसके बाद ही अल्टीमेटली तो वो डाई हुई है। यस और नो? इस आंसर को देखते हैं। When the author went abroad for 5 years for his studies, अब देखिए अगर ये आंसर, अगर ये क्वेश्चन हमारा 7 marks का होगा तो हमें थोड़ा सा इसको ब्रॉडन करना पड़ेगा 7 या 8 marks में। अगर यही क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट 5 marks का या 4 marks का होगा तब हम डायरेक्ट इसमें वही 3 points मेंशन कर देंगे जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था 7 marks का, तो लेट सी कि 7 marks के लिए इस आंसर को कैसे पोर्ट्रे करना है। When the author went abroad for 5 years for his studies, he felt that it was the last time he would see his mother. But he was wrong. He met his grandmother after 5 years at the railway station, looking not even a day older, still reciting her prayers. It was in the evening. Kya hua? A change came over. She stopped praying and collected the women of the neighborhood and got a dilapidated drum. She thumped it and sang of the homecoming of the warriors, overstraining herself. She caught fever the next day and refrained. Refrained matlab rokna. Refrained from resting or going to the doctor and declared that her end was near and she would spend the time meditating and praying. She survived for the day but the next morning she passed away. So ultimately यही सब लिखना है जब आपका 7 या 8 marks का ये क्वेश्चन होता है। अगर 5 marks का या 4 marks का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट आप इसमें वही 3 points मेंशन कर सकते हैं। दोनों में क्लियर है कैसे करना है? एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mention the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. अब आपको वो तरीका बताना है जो कि sparrows ने behave किया जब author की grandmother क्या हो गई? Die कर गई। जल्दी से बताएं। Just think, answer think करें, instead of writing think करें। क्या हो सकता है answer? One person will stand up। याद कर रहे हैं। Answer the question. Answer. बैठ जाओ। When the sparrows came on the floor and didn't chirp. And didn't chirp. Sparrows had gathered on the floor as usual, but they didn't chirp. Also, they even didn't eat anything. Also, they didn't eat anything. Didn't के साथ verb की first form. Also, they didn't eat anything. Or. And. And with the corpse going, they also flew away. जब corpse गया तो वो भी क्या हो गई? वो भी उड़ गई. Let's see the answer. The sparrows and grandmother had an intimate relationship. Intimate मतलब बहुत close. Intimate मतलब बहुत close. When grandma passed away, all the sparrows visited as usual. But seeing her dead, they just scattered on the veranda floor. वो क्या कर रहे थे? Veranda floor में सिर्फ वो scatter कर रहे थे. They did not chirp like they usually did. The author's mother felt bad for them and threw some pieces of what? Bread. But they took no notice of them. When they carried grandmother's corpse off, they flew away quietly. The next day, what happened? The breadcrumbs were swept away by the sweepers into the bin. Question समझ में आए? Yes, ma'am. अरे हाँ या ना? Yes, ma'am. Answer समझ में आए? Yes, ma'am. पूरा story समझ में आया? Yes, ma'am. Clear हुआ? Yes, ma'am. Next turn तक आपको क्या करना है? Next chapter पढ़ना है।
नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट टर्न तक ये बुक क्या हो जानी चाहिए, अवेलेबल हो जानी चाहिए, अवेलेबल हो जाएगी। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने अभी कितने वर्ड्स किए थे, कितने वर्ड्स के मीनिंग जाने हैं? पहला वर्ड क्या था बच्चों? पहला वर्ड क्या था? एब्जर्ड। एब्जर्ड मतलब, एब्जर्ड मतलब समथिंग विच इज नॉट क्लियर। नेक्स्ट क्या था? अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड मतलब, अनडिग्निफाइड मतलब वल्गर या फिर अशोभनीय। नेक्स्ट क्या था? फैबल्स। फैबल्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज। फैबल्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज। हॉबल्ड। हॉबल्ड मतलब टू वॉक हेयर एंड देयर। हॉबल्ड, अब ओल्ड लोग जनरली क्या करते हैं? हॉब करते हैं। इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब अनहर्ड। इनऑडिबल मतलब अनहर्ड। पकर्ड मतलब रिंकल्ड। पकर्ड मतलब रिंकल्ड। कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब सैटिस्फैक्शन, संतोष, संतुष्टि। मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब, मोनोटोनस मतलब वेरी बोरिंग। कोरस। कोरस मतलब इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप टुगेदर, टू सिंग इन अ ग्रुप। स्टेल मतलब बासी। स्टेल मतलब बासी, ओल्ड। स्क्रिप्चर्स मतलब, स्क्रिप्चर्स मतलब होली बुक। हार्लेट्स मतलब, हार्लेट्स डांसर्स। हार्लेट्स का मतलब जो डांसर्स होते हैं। स्नैप्ड मतलब ब्रोकन। स्नैप्ड मतलब ब्रोकन। स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा। बेडलैम मतलब नॉइजी। बेडलैम मतलब नॉइजी। वेरिटेबल मतलब समथिंग वेरी इंप्रेसिव। वेरिटेबल मतलब समथिंग वेरी इंप्रेसिव। चेरिश मतलब, चेरिश मतलब इंजॉयफुल। क्लास मतलब, क्लास मतलब टू होल्ड टाइटली। फ्रिवलस मतलब, फ्रिवलस मतलब सिली। फ्रिवलस मतलब सिली। थम्ड मतलब बजाना। थम्ड मतलब बजाना। डायलिबिटेटेड मतलब ओल्ड एंड ब्रोकन। डायलिबिटेटेड मतलब ओल्ड एंड ब्रोकन। पर्सुएड मतलब मनाना। पर्सुएड मनाना। श्राउड कफन। श्राउड कफन। मोर्निंग विलाप। मोर्निंग विलाप। कॉप्स डेड बॉडी। कॉप्स मतलब डेड बॉडी। इंटीमेट मतलब वेरी क्लोज। इंटीमेट मतलब इतने सारे वर्ड्स के क्या पता चल गए? मीले। तो अब ये क्या करना है, बुक लेके ये चैप्टर दोबारा से पढ़िएगा, ठीक है? समझ में आएगा, और जो नहीं आएगा वो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।